हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज की वीडियो में सीखेंगे स्टील क्वांटिटी। हमने पिछले वीडियो में सिखाया था कि स्टील क्वांटिटी हम जो निकालते हैं एक स्क्वायर मीटर के अंदर कैसे निकालते हैं, तो आज वीडियो में सिखाएंगे हम एक स्क्वायर फीट के अंदर हम स्टील क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो एक स्क्वायर फीट के निकालने के लिए हम स्क्वायर फीट एक बहुत छोटा हो जाता है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एक बड़ी स्लैब के लिए एरिया। ठीक है, तो मैं इसमें दो एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं बड़े एग्जाम्पल के लिए, जो बड़ी स्लैब के लिए, उसमें से हम एक स्क्वायर फीट के आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने सपोज कीजिए आपने 120 स्क्वायर फीट के लिए मटेरियल निकाला है, तो उसी बेस पे आप स्क्वायर फीट का एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। पूरा देखते रहिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि स्टील क्वांटिटी आपको अंदाजे कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला टाइप से बन जाएगा ये। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स की ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो उसको भी शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, एक प्लॉट है आपका, सपोज कीजिए कोई स्लैब है जिसकी लंबाई चौड़ाई है आपकी 40 फीट × 30 फीट। ठीक है, 40/30, तो 40/30 फीट है। उसमें आप क्या यूज कर रहे हैं, 10 mm का बार यूज कर रहे हैं, 8 mm का बार यूज कर रहे हैं। तो इसमें ये देखना है कि मेन एंड क्रॉस बार कौन सा लेंगे आप। तो मेन बार ये लेते हैं, जो 10 mm का बार होता है वो होता है मेन बार। मेन बार रहेगा आपका शॉर्ट स्पैन के अंदर, जबकि ये स्लैब है जो इसका जो दूरी है, जो लंबाई है इसकी, कम होती है। जैसे 40 फीट से 30 फीट कम है, तो इसमें सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं मेन बार, 2-10 mm का प्रोवाइड करेंगे, 4 इंची सेंटर सेंटर। सपोज कीजिए आपने स्ट्रक्चर ड्राइंग पे आपके जो कुछ भी है, जो सरिया आपका, मैं बस जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसी बेस पे आपको जो जो आपके ड्राइंग पे सरिया गिवन है, जो जो आपकी स्लैब के अंदर ड्राइंग में गिवन है, वो इसी तरह से आपको निकालना है। ठीक है, फ्लैट बार निकाल सकते हैं, फिर वन वे या फिर टू वे स्लैब। बस वन वे स्लैब या टू वे स्लैब में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है स्टील, बिकॉज उसमें आपको क्रैंक बार प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो बस ये ही जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाता है वो सरिया, तो वो जो सरिया बढ़ता है, क्रैंक बार की जो लेंथ है वो कैसे निकालते हैं वो वीडियो में बना चुका हूं कई वीडियो में, तो उसको आप देख लेंगे। तो 10 mm का बार हो गया, उसके बाद देख लेते हैं 8 mm का बार। तो 8 mm सपोज कीजिए आपकी स्लैब के अंदर 8 mm का बार लग रहा है एंड 10 mm का बाहर लग रहा है, तो 8 mm का बार लगेगा लंबाई में। ठीक है, ऐसे लंबाई में लगेगा, मेरे को 40 फीट लंबी है, तो क्रॉस बार आपका ये होगा 8 mm, 5 इंची सेंटर टू सेंटर, जो ये बार ए बार से ए बार, इस बार से इस बार की दूरी है आपके पास 5 इंची सेंटर सेंटर। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास एक 10 फीट × 12 फीट की एक स्लैब है, तो उसमें जो स्लैब का गिवन है, ये वाला क्रॉस बार हो गया, ये वाला क्रॉस बार रेड वाला, तो ये इसकी जो दूरी है आपकी 5 इंची है। ठीक है, और ये आपका मेन बार हो गया, ये वाला जो मेन बार हो गया, इससे इसकी दूरी हो गई आपके पास 4 इंची। ठीक है, तो एरिया आपके पास 30 × 40 फीट, 1200 स्क्वायर फीट हो गया एरिया आपके पास। तो 10 mm का बार निकालेंगे हम। 10 mm का बार निकालने के लिए हमने निकाला था 120, चलो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से हमने, अगर आपको पता है कि एक स्क्वायर फीट के अंदर कैसे लगता है, तो हमारे पास है टोटल 120, 1/120 फीट। ठीक है, 120 फीट का हमने निकाला था, 120 फीट का यहाँ पे, तो 12 × 10, 120 फीट का निकाला हमने सरिया। तो 120 से हम इसको भाग कर लेंगे तो सिंपल 69.63 आ जाएगा। ठीक है, 69.3 हमारे पास आया था टोटल वेट। टोटल वेट कहाँ पे आया था, यहाँ पे। चलो मैं ये जो फॉर्मूला हमें आगे सिखाऊंगा, अभी इसको समझने के बाद आएगा, आपको क्लियर होगा। आपकी यह स्लैब है, जिस स्लैब का 12 फीट × 10 फीट की एक स्लैब है, तो उसमें हमें निकालना है मेन बार आपका ही होगा ये वाला बार। ठीक है, जो छोटी स्पैन है, जो कम दूरी की स्लैब है, तो मेन बार करेंगे किस में होता है, शॉर्ट स्पैन के अंदर। हमेशा आपसे कोई भी इंटरव्यू पूछ सकता है मेन बार कौन सा होता है, तो मेन बार रहेगा आपका शॉर्ट स्पैन के अंदर। तो 10 mm का बार आपको यूज करना है, मिनिमम 10 mm का बार यूज हो रहा है। उसके बाद देख लेते हैं स्पेसिंग आपके पास सपोज की 4 इंची की स्पेसिंग है, तो ये वाली जो दूरी है आपके पास 4 इंची की स्पेसिंग है। उसके बाद देख लेते हैं 4 इंची कन्वर्ट करना है आपको मीटर के अंदर, या आपको मिलीमीटर भी बोल सकते हैं 4 इंची को। तो 100 से 1000 से भाग करेंगे तो 0.10 मीटर आ जाएगा, जो ये दूरी है आपके पास कन्वर्ट किया अपने मीटर के अंदर। बिकॉज आपकी जो दूरी है, फीट है, मीटर है, कुछ भी कर सकते हैं फीट के अंदर, मीटर के अंदर, तो यहाँ पे 4 इंची को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आप क्रॉस बार, ये हमारा क्या हुआ, ये वाला जो बार हो गया, ये आपका क्रॉस बार हो गया, इससे इसकी जो दूरी हो गई आपके पास 5 इंची। तो क्रॉस बार होता है लॉन्गर स्पैन के अंदर, जो ये आपका स्लैब का लॉन्ग स्पैन होता है, लंबाई होती है, तो उसमें हमने मिनिमम सपोज कीजिए 8 mm का बार यूज़ किया क्रॉस बार के अंदर। जो जो आपके ड्राइंग के अंदर है, जो आपके पास है, वही आपको यूज़ करना है। स्पेसिंग आपने ली 5 इंची, तो 125 mm, इसको 125 mm लिख सकते हैं, या फिर 125 को 1000 से 1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो मीटर में हमें निकालना नहीं है, फीट में निकालना है ओनली। उसके बाद देख लेते हैं टोटल नंबर्स ऑफ बार, हमें देखना है कि ये जो बार है टोटल कितने लगे और कितनी लंबाई होगी। तो लॉन्ग स्पैन हमें निकालना है
टोटल नंबर ऑफ बार 10 mm का। तो 10 mm का कहाँ पे यूज हो रहा है आपका, मेन बार, ये वाला जो बार है, ये बार एंड ये बार हमारा हुआ 10 mm का। तो लॉन्ग स्पैन हमें निकालना है इस तरह से, ये आपका लॉन्ग स्पैन है 12 फीट है, तो 12 फीट में से जब हम इसको भाग कर लेंगे इस तरह से, ये वाले जो बार को 4 इंची 4 इंची 4 इंची से, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बार निकल जाएंगे कितने हैं। और प्लस वन करते हैं, प्लस वन किस लिए करते हैं, जो ये स्टार्टिंग का होता है, सपोज कि जबकि ये दूरी है, देखो स्पेस कितने आपके पास, 1 एंड 2, तो लेकिन बार कितने यूज हो रहे हैं आपके पास, 1, 2 एंड 3, तो इसलिए लास्ट में क्या करते हैं, प्लस वन कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर स्पेसिंग होती है कि स्पेसिंग 2 स्पेसिंग 3 4 5 6, तो 6 स्पेसिंग हो रही है, पर लेकिन बार आपके साथ यूज हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो लास्ट वाला, तो प्लस वन कर लेना है। तो हमें करना है इंच में कन्वर्ट, देखिए 12 फीट है, 12 फीट को हमने कन्वर्ट किया इंच के अंदर, 1 फीट के अंदर होता है 12 इंच, तो 12 फीट के अंदर कितने इंच होंगे, तो उससे भाग करना है 4 इंची से, बिकॉज जो आपकी स्पेसिंग है, ये वाली जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग है आपकी 4 इंची की है। ठीक है, या तो 4 इंची को आप कन्वर्ट कीजिए फीट के अंदर, इससे भाग कर देंगे 12 से, या तो इसको फीट से भाग कीजिए, सपोज कीजिए 12 फीट डिवाइड बाई 4 भाग 12 कर देते हैं इस तरह से, जो भी आपके पास आएगा उससे 12 से भाग कर देंगे, तो आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, ये निकाल सकते हैं या फिर ये निकाल सकते हैं। हमारे पास स्पेसिंग है 4 इंची, 12 फीट के भी हमने कर लिए इंची के अंदर, तो कितना हुआ, जो टोटल आएंगे प्लस वन करेंगे तो 37 नंबर्स ऑफ बार आएंगे। तो ये बार कितने भी यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 37 बार आएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, जब आपको पता होगा कि लेंथ ऑफ मेन बार, जब आपको पता होगा कि एक लेंथ की लंबाई कितनी है, तो उसमें हमें देख लेंगे टोटल नंबर्स ऑफ बार कितने हैं, तो पूरे सरिये की लंबाई निकल जाएगी आपके पास। तो 10 फीट इंटू 37 फीट, तो 10 फीट को 37 फीट से गुना करेंगे, तो 370 फीट आपके पास लंबाई आ गई, 370 फीट। तो ये लंबाई कितनी होगी, टोटल 370 फीट की लंबाई होगी सरिये की। और तो 370 × 1/3.28, अगर आपको निकालना चाहते हैं मीटर के अंदर, तो आप मीटर के अंदर भी निकाल सकते हैं। तो 37 को सिंपल क्या करना है, 3.28 से भाग कर देना है, बिकॉज 1 मीटर के अंदर होता है आपके पास, 1 मीटर होता है बराबर 3.28 फीट। तो फीट के अंदर कम नहीं किया, तो इससे इसको गुना भाग करेंगे, तो 112.80 मीटर आपके पास आ जाती है लेंथ, टोटल लेंथ 10 mm की। चलिए अब निकालते हैं वेट। तो वेट निकालने के लिए क्या है, वेट ऑफ बार हम निकालना है, वेट 10 mm का जो वेट आएगा, टोटल वेट कितना आता है। तो 10 डाई स्क्वायर फार्मूला क्या होता है आपके पास, तो फार्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162, डाया होता है आपके पास डाई ऑफ द बार, ये फार्मूला होता है आपके पास 1 मीटर की लेंथ के निकालने के लिए, आपके पास लेंथ कितनी है टोटल 112, तो डी स्क्वायर बाई 162 इंटू एल, एल आपके पास है लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, तो इससे इसको भाग करेंगे गुना करेंगे, तो 10 × 10 डिवाइड बाई 162, क्लियर, तो इंटू कर देंगे 112.80, आपके पास है फार्मूला 1 मीटर की लेंथ के लिए, 1 मीटर की लेंथ के लिए, और टोटल लेंथ कितनी आपके पास 112, तो वेट कितना आ जाएगा, टोटल वेट 69.63 kg, क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बार, हमें देखना है अब 8 mm का बार कितना है, उसका वजन कैसे निकालेंगे, आपको पता है शॉर्टर स्पैन, हम आपको निकालना है ये वाला बार, ये जो बार होता है रेड वाला, ये आपको निकालना है, ठीक है, ये जो टोटल लंबाई ये निकालनी है, 1 फीट सरिया की लंबाई तो पता है आपको 12 फीट की है, और आपको पढ़ना है टोटल, तो कैसे करेंगे इसमें, तो स्पेसिंग हमें जो ये वाली है, इनकी स्पेसिंग हमें पता करनी पड़ेगी, स्पेसिंग कितनी होगी, जब टोटल स्पेसिंग पता होगा 10 × 12 आपके पास आ जाएंगे इंची, 120 इंची, 120 इंची में से हम भाग करेंगे 5 इंची, तो ये आपका क्या स्पेसिंग क्या, 5 इंची की इन दोनों की, तो 1 स्पेसिंग 2 स्पेसिंग 3 स्पेसिंग, तो इस तरह से हम इसमें से टोटल स्पेसिंग में से ये स्पेसिंग भाग कर देते हैं, तो आपके पास आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ बार। तो हमेशा शॉर्ट स्पैन अपॉन स्पेसिंग, स्पेसिंग कितनी है 5 इंची, प्लस वन कर देते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग वाली आपके पास प्लस हो जाता है, तो 10 फीट × 12 इंची, तो हमारे पास कितना होगा टोटल 120 इंची डिवाइड बाई 5 इंची, प्लस वन करना है, तो 5 को इसके सेव करें, 5 × 10 × 5 = 20, तो 24 और प्लस 1, तो 5 × 5 कितना हो गया, 24 और प्लस 1 25 नंबर्स ऑफ बार आ गए आपके पास। तो टोटल लेंथ देख लेते हैं अब, तो लेंथ ऑफ वन बार, आपको पता है कि एक लेंथ की बार कितनी है और नंबर्स ऑफ बार कितने हैं, तो लेंथ ऑफ वन बार कितने हैं 12 फीट, आपको पता है कि एक जो सरिया है उसकी जो लंबाई है 12 फीट है, और टोटल नंबर ऑफ बार कितने हैं 25, तो यहाँ 25 से गुना हो जाएगा, इससे से गुना कर लेंगे तो 30 फीट आपके पास आ जाएगा, 300 फीट, ठीक है, 2500 इसको गुना करेंगे 300 फुट आ जाएंगे, और 300 को आपको निकालना है मीटर के अंदर,
तो सिंपल 300 को भाग कर लेंगे 3.28 से, तो आपके पास निकल जाएंगे 91.45 मीटर की लेंथ। उसके बाद देख लेते हैं वेट। वेट हमें निकालना है बार का, डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 162, आपके पास है फॉर्मूला, इंटू लेंथ। लेंथ कितनी आपके पास 91.45, ये होता है आपके पास 1 मीटर की लेंथ के लिए, और टोटल लेंथ कितनी आपके पास ये, तो डी डी इंटू डी डिवाइड बाई 162 इंटू 91.45, तो 91.45 इससे इसको गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.12 kg आपके पास आया था वेट, कितने का एटम एम का। तो टोटल वेट निकालेंगे हम, टोटल वेट, तो टोटल वेट कितना 112.80 है, तो 169.63, तो हमने निकाला था यहाँ पे 69.63 kg 10 mm का, तो 10 mm का हो गया और 8 mm का, तो टोटल वेट हो गया 105.75 या फिर 106 kg आप उसको बोल सकते हैं। आपने निकाला था ये 10 बाई 12 फीट के लिए, अब आपको निकालना है फॉर्मूला 1 बाई 1 फीट के लिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ से आप सिंपल निकाल लेंगे, हमने निकाला था 120 फीट के लिए, वही सिंपल फार्मूला है। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 120 मैंने इसलिए किया क्या ये, तो ये निकाला हमारे पास 1 स्क्वेयर फीट के लिए, आपके पास है टोटल 120 स्क्वेयर फीट, 120 स्क्वेयर फीट में आपका लगता है 69.63। यहाँ पे आपने फार्मूला निकाला था 69.63, एक तरह से फार्मूला बन जाता है। इस तरह से आप एक फार्मूला डायरी के अंदर लिख लेते हैं कि 10 बाई 8 का आपका पास सरिया लग रहा है, इतनी स्पेसिंग आपको रखनी है, वो एक फार्मूला बना लेंगे, वो आप डायरी में नोट कर लेंगे। फिर आपकी दूसरी स्लैब है उसमें आपको 12 बाई 10 mm का सरिया लग रहा है, तो उसमें इतनी स्पेसिंग है, तो वो 1 स्क्वेयर फीट के अंदर कितना लगेगा, 1 स्क्वेयर मीटर के अंदर कितना लगेगा, तो वही आप फार्मूला आपके पास बन जाता है। तो उसी से आप जितने भी फीट होती है, सपोज़ कीजिए आपने 1 स्क्वेयर फीट के अंदर लगा, सपोज 120 kg, तो 100 स्क्वेयर फीट के अंदर कितना लगेगा, 1200 स्क्वेयर kg, इस तरह से फार्मूला बन जाता है। फिर आपने निकाला था 1 स्क्वेयर मीटर के अंदर कितना लगता है, सपोज़ कीजिए 1400 kg, तो 100 kg कितने लगेगा, तो 1400 × 0.20, तो इतना kg लग जाता है। तो वही सिंपल एक फार्मूला बन जाता है आपके पास, देखिए आपके, तो 1 डिवाइड बाई 120, ये आपके पास क्या हुआ 1 स्क्वेयर फीट, जब 1 से 120 से भाग करेंगे तो आपके पास आ जाता है 1 स्क्वेयर फीट के लिए किस कौन सा वेट का, तो 69.63 kg का, तो 69.63, ठीक है, तो 69.63 हमारे पास आ जाता है, ये वाला जो फॉर्मूला बन गया आपके पास, 1 स्क्वेयर फीट के अंदर लगेगा आपके पास इतना kg 10 mm के बार, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास 1 स्क्वेयर फीट के लिए निकल गया, तो 1 स्क्वेयर फीट में आपके पास इतना kg लगा, तो उससे गुना कर लेंगे 1200 स्क्वेयर फीट, तो टोटल आपके पास है 1200 स्क्वेयर फीट, तो सिंपल इसको गुना कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा तो 1696.63 kg आपके पास। अगर इसी से पता लगाना चाहते हैं तो 1 स्क्वेयर फीट के लिए, तो सिंपल इसको कर दीजिए आप 1200 से भाग 1200 स्क्वेयर फीट से, तो आपके पास आ जाएगा kg, इधर में kg आएगा पर स्क्वेयर फीट, पर 1 स्क्वेयर फीट, ठीक है। तो अगर आप जितना आपके पास ये आया है इसी से आप कर देंगे 1200 से भाग, तो आपके पास 1 स्क्वेयर फीट का आ जाएगा। अगर इसी से करेंगे तो सिंपल ये भी आपका पास स्क्वेयर फीट के लिए आएगा। उसके बाद देख लेते हैं 8 mm का बार, तो 1 डिवाइड बाई 120, हमने 1 डिवाइड बाई 120 किस लिए किया, वो 36.12, 8 mm का बार, यहाँ पे 8 mm का बार हो रहा था आपके पास, 36.12 8 mm का बार के लिए वजन हो रहा है, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 120 × 36.12, ये आपके पास है 120 स्क्वेयर फीट के लिए आपके पास हो रहा है इतना kg, तो 1 के लिए कितना होगा, तो 1 डिवाइड बाई 120 कर देंगे, तो ये फार्मूला आपके पास आ गया 1 स्क्वेयर फीट के लिए, ये आपके पास kg/1 स्क्वेयर फीट, तो ये जो वजन आएगा आपके पास यहाँ पे, तो ये आगा उसके 1 स्क्वेयर फीट के लिए, तो टोटल हमारे पास है 12 स्क्वेयर फीट, तो 12 स्क्वेयर फीट के लिए 361.20 kg, तो सिंपल और इसको भी 1200 से भाग कर देंगे तो वही आएगा जो यहाँ पे आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा इतना kg/1 स्क्वेयर फीट, ठीक है। तो इससे आप फार्मूला निकाल सकते हैं, बट इसमें एक बात का याद रखना कि हमेशा यहाँ पे हो गया 30 फीट, तो 300 फीट पर 40 फीट, तो आपको पता है जो एक लेंथ होती है आपके पास 12 मीटर की होती है, तो 12 मीटर को आप करेंगे 40 फीट, तो आपके पास टोटल लेंथ होगी 40 फीट, तो 40 फीट की एक लेंथ होती है आपके पास सरिया की फुल लेंथ, तो 40 फीट तक अगर आपके पास 40 से ज़्यादा हो रहा है, अगर आपके पास 40 फीट से ज़्यादा यूज हो रही है, ठीक है, 40 फीट से ज़्यादा यूज हो रही है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, ओवरलैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं, ओवरलैप समझते होंगे आप कि 8 mm बार यूज हो रहा है तो 8 mm बार यूज होगा, तो इसका जो ओवरलैप होता है 50 × d मिनिमम हो जाता है, स्लैब के अंदर हो या फिर किसी भी के अंदर हो, स्लैब कॉलम बीम, ठीक है, मिनिमम ये होता है। ये आईएस कोड होता है 1993,
आइस कोड 19 में, आइस कोड का कोड मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ आइस कोड के अंदर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए जो कोड यूज़ होता है 1923 ऐसे समथिंग है, ठीक है। तो उस कोड में आप निकाल सकते हैं इस तरह से। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर कर देना जरूर। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहना हमारे साथ, मिलते हैं किसी तरह टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।